हम लोग लंच करके जा रहे थे तो धुआं आ रहा था, फिर बोले ये परफ्यूम की है बदबू, जो कोई बात नहीं है आप लोग जाके काम करो। फिर हम लोग गए काम करते रहे, फिर 20-25 मिनट धुआं आने लगा बाहर से, तो खिड़कियां सारी बंद करवा दी, फिर एडजस्टमेंट चालू किए। मैं बोली एडजस्टमेंट बंद कर दो नहीं तो प्रदूषण बाहर से अंदर आएगा तो सारे बेहोश हो जाएंगे यहाँ। फिर उसको बाद में सुपरवाइजर बंद करवाए थे, फिर उसके बाद सारे आवाज देने लगे निकलो निकलो, नीचे के बंदे तो शायद निकल गए थे, हम लोग फंस गए। जब नीचे ऐसा हो रहा था तो उन लोगों को बता देना चाहिए ना निकल जाओ यहाँ से, जब ज्यादा ही होने लगा तब बोल रहे थे निकल जाओ। फिर हम लोग दूसरे दरवाजे से निकलने की कोशिश किए, फिर वहां ड्रम फट गया। ड्रम फटने के बाद सब लोग बोलने लगे अंदर चलो अंदर चलो नहीं तो यहीं मर जाओगे। फिर उसके बाद खिड़की तोड़ के कूदने लगे, फिर हम लोग भी कूद गए वहां से। आपके साथ कितने लड़कियां थी, कितने लोग थे? बहुत सारे हैं। तो जो निकल पाई आपके साथ या कुछ रह गए, ऐसा कुछ है? कुछ रह गए हैं ऊपर, जो हमारे से ऊपर है ना, हम लोग दूसरे मंजिल पे थे, जो तीसरे वाले है ना वो लोग और लड़कियां रह गए वहीं पे। घटना कितने बजे की थी? ये 1:30 बजे की बात की है। अच्छा, मॉर्निंग में कितने लोग अंदर थे फैक्ट्री के अंदर, कितने लोग थे पूरे स्टाफ, कितनी होगी गिनती, कितनी होगी लगभग? सारे होंगे स्टाफ में, तो गिनती कितनी होगी स्टाफ में, लागे सब कितने होंगे? यही होंगे 70-80 से ज्यादा ही है, 100 तक है। 100 के आसपास? हाँ, इतना तो मुझे नहीं पता है, पर हम लोग कंपनी की तरफ से करते हैं, ठेकेदारी के बंदे के बारे में तो मैडम को पता होगा। मैडम मिली थी अभी आपसे मिलने, कौन कौन आया अभी, कोई प्रशासन की तरफ से आया कोई मिलने? देख इधर तो आते जाते रहे, वो विनोद सर है वो तो आए, अभी चंद सर का पता नहीं है वो कहाँ पे है। और फिर जो सुपरवाइजर थे वो हमारे बहुत हेल्प किया, उठा उठा के सबको गाड़ी में रखे, वो कहीं नहीं गए हमारे लोगों को छोड़ के। अच्छा, बिल्डिंग के अंदर फायर एग्जिट का कुछ बनाया हुआ था क्या, अचानक आपातकालीन अगर कुछ होता है तो निकल पाए, सुविधा थी कि? सुविधा है, पर जिधर से हम निकलने की कोशिश किए ना उधर ही ड्रम फट गया। अच्छा। प्लास्टिक वाला ड्रम जिसमें माल था ना परफ्यूम, वही फट गया था। ठीक है, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ काम करते? 6 साल। हाँ जी। काम क्या करते, पैकिंग था क्या? एक्सपायरी डेट डालते हैं सेंट पे। एक्सपायरी डेट डालते हैं। हाँ जी। धुआं सा आया गंदा गंदा, तो देखा उसमें धुआं आया तो खिड़की और गेट बंद करवा दिए थे। फिर उसमें जब आग लगने का हो गया तब वो बोले भागो भागो, फिर जो मेन गेट है ना उस उधर एक संग धमाका हुआ, फिर उधर कोई भी नहीं गया, फिर खिड़की तोड़ तोड़ के हम लोग कूदे छलांग, दूसरी मंजिल पे हमारी दोनों टांगे टूट गई। अभी कोई सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से आया मिलने को? हाँ, मिलने को तो काफी लोग आए, मेरे हमारे पैर दोनों टूट गए और मेरे सूज आया पैर में, बहुत दर्द हो रहा। आपके साथ कितने लोग थे जब ये सारा? होंगे 150 लोग तो होंगे उसमें कंपनी। हाँ, काफी लेडीज हैं और लड़कियां, ऊपर वाले प्लांट में लड़कियां 20-25 लड़कियां हैं, उनको पता ही नहीं कैसे बच्ची या नहीं बच्ची। परफ्यूम की पैकिंग करते थे। पहली मंजिल पे होंगे 50-60 लोग और 30 ज्यादा लोग तो दूसरी मंजिल पे। जैसे हम लेंच से जा रहे तो बदोई बदोई आ रही, तो हम जा रहे तो बोल रहे हैं ऊपर जाओ और परफ्यूम की बदबू आ रही है, हम ऊपर चढ़ गए। फिर हमने थोड़े सिंगल बनाए, बनाते समय मेरे को उल्टी आ गई, मैं तो बाथरूम में घुस गई। जब मैं उधर से आई तो अंधेरा अंधेरा हो गया, ड्रम फट गया, फिर गेट लगा लिया मैंने जबरदस्ती, गेट खुलवाया, हम गेट से अंदर आए, फिर खिड़की तोड़ के हम नीचे को कूद पड़े। हुआ हो डिश कम से कम होंगे 100 लोग। मेरी कमर में दर्द है, हड्डी टूट गई कमर की। मैं मालिक की खाना बनाते हम दो लोग, चाय और खाना। मेहनत मजदूरी करके पालते हैं बच्चों के लिए और हमें सरकार कुछ दे, हमारी दोनों टांगे टूट गई, हम पैर से खड़े भी ना हो पा सकते हैं, हम कैसे पालेंगे बच्चों को? हमको सरकार हमें कुछ मदद करे ना, हम अपने बच्चे कैसे पालेंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और जो मेरी दोनों टांगे टूट गई हैं, हम गरीब लोग हैं, बिल्कुल बाहर से आए यहाँ पे परे झुग्गी में।